वहां से जब आया दीपिका मुझे बता रही थी कि शोएब रेहान के खून बह रहा है, लेकिन रेहान को इतना होश नहीं है, रेहान पैनिक करती हुआ आया है, भाभी रिजा को लग गई, भाभी रिजा को लग गई। और दीपिका बोल रही है कि अब जब वो मेरे सामने आया ना दरवाजे पे, तो नाजा खाला पहले आई, तो मुझे लगा नाजा खाला मिलने आई है, तो मैं एकदम बोली अरे अस्सलाम वालेकुम खाला, और खाला भी 2 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गई। फिर जब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा हुआ है, तो मैं भी 2 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गई, क्योंकि नहीं तो पहले नॉर्मल सिचुएशन में आता था, अच्छा गाड़ी की चाबी उठाओ अगर डॉक्टर के पास गया, पर अब वो भी नहीं, तो मैं भी 2 मिनट के लिए पैनिक होगी कि क्या करें। इतने में बोला अच्छा मैं आ रही हूँ, तो रेहान दौड़ता हुआ सेकंड फ्लोर तक सीढ़ियों से आ गया, और मेरी नजर डायरेक्टली उसके घुटने पे गई, उसकी पूरी पैंट फट गई थी, पैंट फट गई थी और अंदर से पूरा खून ऐसे दिख रहा था। तो मैं बोला अरे तुझे भी लगे, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, दीपिका इब्राहिम और शोएब इब्राहिम के घर फिर से एक बैड न्यूज़ निकल के आ रही है। उनके घर में अचानक रेजा रेहान को चोट लग गई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रेजा रेहान अभी छोटे बच्चे हैं और वो कहीं जा रहे थे, अचानक उनको स्कूटी ने आके पीछे से टक्कर मार दी, जिस वजह से रेजा को थोड़ी सी चोट आ गई और रेहान को भी थोड़ा सा लग गया, जिस वजह से पूरी इब्राहिम फैमिली में शोक का माहौल हो गया। अचानक से सारे लोग बढ़ा गए कि बच्चों को आखिर क्या हो गया। इसी के बारे में शोएब और दीपिका इब्राहिम बता रहे हैं कि अचानक ऐसा कैसे हो गया, बच्चों को इतनी ज़्यादा चोट कैसे लग गई, क्योंकि जब भी कुछ ऐसी घटना हो जाती है घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। रेजा रेहान की खून इस घायल अवस्था में देख के सारे लोग परेशान हो गए और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये कैसे हो गया, किसको हमारे परिवार की नज़र लग गई, क्या बात है जिस वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई। पर उनकी पट्टी वगैरह करी गई और ड्रेसिंग वगैरह करने के बाद रेजा रेहान थोड़ा सा राहत की सांस ली। उसके बाद अब उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और आपका क्या मानना है इस बारे में, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।